आज कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के रहम करम से। आप सबकी दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम बनाए रखे। अल्लाह ताला आप सबके सरों पर आपके बड़ों का साया, आपके छोटों पर आपका साया यूं ही बना रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और जी व्यूअर्स, और कल मेरा जो वीडियो था वो कल नहीं आया, लेकिन यह है कि मैंने कल वीडियो बनाया भी नहीं था अपना ना, तो बस। और दूसरा ये है कि अभी हम कर रहे हैं बड़े काम धाम, और हम क्या काम कर रहे हैं तो वो भी हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। वैसे तो हम मैं करती रहती हूँ मैं ना, ठीक है ना। तो बस हम मरियम जो है वो किचन में है, वो अपना कुछ काम कर रही है। पानी की शॉर्टेज है, पानी नहीं आ रहा है, और कल भी पानी काफ़ी देर में आया था और फिर ख़त्म हो गया था। तो जाहिर बात है पानी तो आजकल ज़्यादातर सभी जगह का मसला बना हुआ है, लेकिन हमारे घर का कुछ ज़्यादा ही मसला बना हुआ, तो लेकिन फिर भी चले कोई ऐसी बात नहीं है। तो चले फिर मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, शेयर करवाती हूँ और सब कुछ, और फिर करते रहती हूँ आपसे पम बातें। मैं मरियम के लिए बना रही हूँ, मरियम के लिए एक मरियम की स्पेशल डिश और फेवरेट डिश, और इस मामले में ये मेरी बेटी नहीं लगती, क्योंकि मैं हूँ फुल वेजिटेरियन और मरियम को चाहिए हर वो चीज़ जो मैं नहीं खाती। तो मैं क्या बना रही हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँगी, और मुझे देखते रहिएगा, सही है। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बना क्या रही हूँ। अगर आप समझ गए होंगे, मरियम साहिबा के लिए बन रही है कलेजी, और मरियम जो है बस इस मामले में ज़रा मुझ पर नहीं गई हैं। ये इनको बीफ वगैरह थोड़ा बहुत ये कर लेती, खाली बीफ तो नहीं खाती, पर चिकन की कलेजी, चिकन ये वो ये चीज़ें तो फिर भी खा लेगी थोड़ी बहुत। और ये देखें, धोने के बाद इनकी हालत ऐसी हो रही है, हाथ यूँ यूँ करती फिर रही हैं। सर्फ से हाथ धोए हैं, सब कुछ किया है भाई, जब खाओगी तो फिर धोगी भी, सही है ना। चलें जी मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, जब मेरी कलेजी हो जाती है तैयार तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें मैं बना रही हूँ हड़बम कलेजी, और नफाकत से नहीं बनाती ना कलेजी को, मैं बस फटाफट बनाने वाली करती हूँ कलेजी। मैंने लहसुन अदरक डाला, और मरियम को ज़रा ग्रेवी वाली पसंद है, तो मैं जो भी देखें मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाली कलेजी, ठीक है। तो अब इसमें मैंने डाल दी है ये टमाटर, और आप बोलेंगे टमाटर डाल के देंगे भाई, टमाटर मैं इतनी अच्छी डाल रही हूँ कि अभी ये टमाटर देखिएगा थोड़ी देर में इसमें मेल्ट हो जाएंगे, और बहुत ज़बरदस्त मसाले वाली कलेजी मैं नहीं बनी। मसाला सोच रही थोड़ी रहने से ज़्यादा रखना है। चलो जी अब ये चला गया टमाटर, और अब हम इसको करते हैं फ्राई, और फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरी हो गई है कलेजी तैयार, और अभी जब मैं निकालूंगी उस वक्त आपको दिखाऊंगी। फाइनल मैच चल रहा है और कमेंट्री जो है इस पर आ रही है। वाह भाई वाह, ऐश ऐश। तो ये देखें तैयार, आगे लिखना कितनी जबरदस्त लग रही है। मैं तो खाऊंगी नहीं खैर, लेकिन वैसे कोई चीज़ मैं बनाती हूँ तो शक्लन बता रही हूँ, अकलन तो ये चेक करेंगे। और ये मैं हर शायद गल चुकी है, हाँ ये गल गई। तो बस मैं इसको अब थोड़ा सा भून लूँगी अच्छे से, इसको इसके मसाले को बस मजे के ऊपर आ जाए। तो भाई शॉपिंग में तुम ये देखिए मसाला, ये देखिए कितना ज़बरदस्त। अभी ये खुश्क होगा तो फिर ये दही का पानी वगैरह जो है इसके अंदर, तो ये भी खुश्क होगा, और फिर हमारी कलेजी रेडी है। और जब मैं प्लेट में निकालूंगी ना ये कलेजी, ओ हो मरियम कलेजी प्लेट में खाओगी अभी इसी में रह लेना, मुझे भूख लग रही है। चलो जी ये हम निकालते हैं जब खाना मरियम के लिए, कि मैं तो खाऊंगी, मरियम और उनके बाबा खाएंगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सही देखिए जी हो गई तैयार, हो ये देखें कितनी मसालेदार बनी है कलेजी, और गली भी। और ये मैंने मरियम के लिए निकाल के रख दी, ये मैं मरियम को देने जा रही हूँ, इनके बाबा और मरियम खाएंगे। तो ये देखें कितनी टेस्टी लग रही है, लेके चलते हैं मरियम के पास खाना। ये लीजिए मरियम बाजी खाना,
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आइए आप भी शुरू हो जाइए हमारे साथ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और मरियम, आपको क्या लग रहा है, कैसी बनी होगी? ये देखे हम इंसाफ करने में लगी हुई है माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके हाथों में बरकत दे, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सबके रोजी रिस्क में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। मरियम ने खा लिया खाना और बस वो जो हैं तो वो अपने बाबा के साथ लगी हुई हैं पानी वानी भरने में, और पानी आ गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पानी आ गया। और फिर वो अपने फ्रेश होने की तैयारी कर रही है, तो मैंने इससे यही बोला कि अभी थोड़ी देर रुक कर थोड़ा काम वाम जो है, वैसे तो सफाई वगैरह सारी हो गई, सब कुछ हो गया, खाया पी भी लिया, सब कुछ है, फ्री हो गए। तो अब मैंने कहा कि थोड़ी देर बैठ के भी उसके बाद ही जाके फ्रेश हो जाना, ताकि और भी कोई काम हो तो उससे फ्री हो जाए। वैसे भी शाम या थोड़ा सा अच्छा टाइम हो जाए तो उसमें बंदा फ्रेश हो तो फिर गर्मी वर्मी इतनी नहीं लगती है, और मौसम वैसे शाम में बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस गर्मी है, कब जाएंगी गर्मी है, कब आएंगी सर्दी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज मैं इनसे ये कह रही थी, मैंने कहा सर्दियाँ कब आएंगी, इन्होंने बोला अक्टूबर में कभी कराची में सर्दी आई है, तो हमेशा दिसंबर के स्टार्टिंग में ही सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होती हैं, हम आ गए तो सर्दियाँ ये कहती आती और गर्मियाँ चिल चिल आती, हम ये जा रहे हैं हम आ रहे हैं। सर्दियाँ पूरी तरह जाती भी नहीं हैं और गर्मियाँ मुस्कुराती भी या ठंडे मारती भी आ जाती हैं, और बेचारी सर्दियाँ मुस्कुरा के रह जाती हैं। अभी तो आए थे हम और अभी हम जा रहे हैं तो चले बस इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस मैं अब चाहूँगी आपसे इजाज़त, और मेरी आज ये जो थोड़ी सी वीडियो बनी है तो बस मैं इजाज़त चाहूँगी, और आप सब खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे कल, और आप जो मुझे हम लोगों को, मुझे और मरियम के बाबा को जो इतनी मोहब्बत दे रहे हैं YouTube पर, जो हमारे शॉर्ट्स डल रहे हैं उस पर हमें व्यूज़ आ रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत इतनी अपनाइयत देने का। बस हमें इसी तरह से प्यार और मोहब्बत देते रहिए, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे आबाद रखे। जी जो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उन्हें भी हम यही कहेंगे कि आप हमारे YouTube पर जो हमारे शॉर्ट्स चल रहे हैं वो भी देखिए, और हमारे व्लॉग को भी देखिए, फ़नी वीडियोस को भी देखिए। और फ़नी तो खैर इनके बाबा के आने के बाद हुआ है, वरना तो बहुत डिसेंट चैनल चल रहा था मेरी वजह से मजाक कर रही हूँ। अच्छा जी, तो बस ये है कि चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे कल एक अच्छे से दिन के साथ, प्यारे से दिन के साथ, प्यारी प्यारी बातों के साथ, ढेर सारी मम्मों के साथ, ठीक है? तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको खुश रखे आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।